हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की मैथ चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इनके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे बच्चों, और ये सीरीज आपके लिए रहेगा। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियोस मिलता चला जाएगा और आपको टॉपिक बाय टॉपिक कवर करना है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों लाइन एंड एंगल। तो लाइन एंड एंगल में सबसे पहले जो हमें समझना पड़ेगा बच्चों, पॉइंट्स को समझना होगा। पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज अ पॉइंट? अ पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, पॉइंट क्या होता है बच्चों? किसी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन होता है। ठीक है, लोकेशन गूगल लोकेशन नहीं बच्चों, है ना। लोकेशन किसी भी पॉइंट का लोकेशन क्या होता है वो हमें बताना होगा। जैसे कह रहा है पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे मान लो पॉइंट ए हमने बोल दिया तो क्या हुआ, ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गया। या हमने पॉइंट बी बोल दिया तो एग्जैक्ट लोकेशन हुआ। तो ये समझ में आया, इट मींस ये क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अ पॉइंट, तो पॉइंट इज एज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनीथिंग एल्स। किसी भी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग पॉइंट बोलते थे, राइट। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, राइट। ये किससे डिपेंड होता है बच्चों? कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल लेटर ए बी सी टू जेड, है ना, एटसेट्रा, राइट। हम क्या करते हैं इसको ATC, है ना, यानी इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना। पॉइंट ए बी सी जो भी आप देखेंगे आगे, और अभी यूज भी देखेंगे हम इनका कि क्यों ये हमें पढ़ना पड़ा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारी बातें को समझेंगे। तो देखो, इसके बाद जो पॉइंट को समझना है वो समझना है हमारा लाइन। तो लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। देखो आ गया ना बच्चों, इसीलिए हमने आपको पॉइंट बताया। तो कह रहे कलेक्शन ऑफ, कह रहे द लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। किसी भी पॉइंट की जो कलेक्शन होती है स्ट्रेट लाइन में, हम उनको लाइन बोलते हैं। कैसे? देखिए कलेक्शन, जैसे ये पॉइंट्स हो गया बच्चों, ये हो गया, ये पॉइंट्स हो गया, है ना, इस तरीके से पॉइंट बना और ये जो एक स्ट्रेट लाइन में बना, इसी को तो लाइन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो कलेक्शन होगा हम उनको लाइन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लाइन बोल देंगे। ठीक है, गुड। तो देखो इसकी जो फिगर्स है वो कुछ इस तरीके से है, है ना। ये क्या होता है? लाइन का फिगर्स। तो ये ए पॉइंट हो गया। अब लाइन में क्या होता है, इसका एडवांटेज कि आप उनको क्या कर सकते, दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते, आप बढ़ा सकते, जितना बढ़ाना है आप उतना बढ़ा सकते, राइट। यहां से बी से आप इधर बढ़ा दीजिए, बी से इधर बढ़ा दीजिए। इसीलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे बच्चों, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ये किसके, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता। आपको जितना बढ़ाना है, जितना एक्सटेंड करना है, आप उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए शो, क्लियर आया। और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, ए बी इधर से भी बढ़ा दो, इधर से भी, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, एक्सटेंड करके बड़ा कर देना है ना। तो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अगर मान लो कहीं पे पी क्यू दे देता है, कुछ इस तरीके से भी अगर दे देता है, तो कई बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं, सर यहाँ पे तो पी क्यू दिया हुआ, कुछ भी नोटेशन हो सकता है। बच्चों पढ़े ना हमने, पॉइंट का कुछ भी नोटेशन कर सकते हैं। अगर पी क्यू दिया हुआ रहेगा तो आप पी क्यू और इसके पावर इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, ओके, यस। तो अब देखते हैं आगे लाइन सेगमेंट। तो बच्चों जितने भी पॉइंट बता रहे हैं ना आपको, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कर रहा है, इसलिए मैं एक सीक्वेंस से बता रहा हूं आपको, जिससे कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप कंटिन्यू लास्ट वीडियो देखते हो तो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। सिंपल, ये किसका है बच्चों? लाइन का पार्ट है ना। क्या है? लाइन का पार्ट है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, है ना। ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, राइट। अब यहाँ पे देखो, इस फिगर से आप सोचो, कुछ दिमाग खोलो अपना, बत्ती जलाओ बच्चों, दिमाग की, है ना, मेंटोस का बत्ती जलाओ, है ना। एनी हाउ,
चलो तो ए बी आ गया आपको, तो ए बी क्या होता है हमारा, है ना, ये होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट, सॉरी एंड पॉइंट, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट हैज अ टू एंड पॉइंट होता है बच्चों, है ना। तो कह रहा है इट हैज टू एंड पॉइंट, मतलब इस ये जो है ए और बी पे क्या हो रहा है, एंड हो जा रहा है, इसलिए बोलते लाइन सेगमेंट हैज अ टू एंड पॉइंट, है ना। चलो इसकी रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से सिंबलिक कर सकते हो, ये हो जाएगा बच्चों, है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट है। गॉट इट या नॉट, ओके यस, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इट हैज टू पॉइंट, ये आपको वन वर्ड या फिलिप्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, ओके। अब देखो हम क्या समझना है, रे को समझना है, रे क्या होता है, ये भी रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी क्या होता है बच्चों, सब जितने भी है देखो सब लाइन पे डिपेंड है, और लाइन किस पे डिपेंड था बच्चों, पॉइंट पे डिपेंड था, है ना, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट बच्चों, तो इसीलिए हमने ये सीक्वेंस बनाया आपके लिए, ओके ठीक है। इट हैज वन एंड पॉइंट, अब इस फिगर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो क्या देखेंगे, इसमें एक ही तो एंड पॉइंट है, एक को तो आप खींच के बना कर सकते हैं, एक साइड बना कर सकते, बहुत जितना दूर ले जाना आप उतना दूर ले जा पाएंगे बच्चों, राइट, सो इट हैज अ वार्निंग पॉइंट। तो ये हमने समझा बच्चों, क्या क्या समझ लिया हमने, लाइन समझे, सॉरी पॉइंट समझे, लाइन समझे, लाइन सेगमेंट समझे, रे समझे, अब इनका यूज समझेंगे, है ना, इन सभी का यूज समझेंगे, किसमें यूज होगा बच्चों, एंगल में, किसी दो लाइन से भी आप बना सकते हैं एंगल, या किसी दो रे से भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे सर, चलिए इनको भी समझते हैं यहाँ पे, है ना। देखो एंगल, टू रेज ए एंड ए बी एंड ए सी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना, मतलब ए से ए पॉइंट हमें ओरिजिनेट किया, बी से ए से हमने सी पॉइंट ओरिजिनेट किया, इस कॉल तो हमें क्या बन गया, एंगल बन गया बच्चों, है ना, तो ये हमारा एक रे हो गया और ये दो रे हो, आप इस तरीके से भी देखते होंगे बच्चों, तो ये हमारा क्या बन गया, ये जो है ए बी क्या होगा, फिक्स पॉइंट हो गया, तो बताओ मुझे फिक्स पॉइंट क्या था, लाइन ही तो था, लाइन सेगमेंट ही तो था, तो तीन लाइन सेगमेंट से मिलके क्या बन जाता है हमारा, ट्रायंगल बन जाता है ना, इसको आप चाहो तो ए नाम कर दो, बी और सी, ये भी तो एंगल बनेगा, ये भी तो एंगल बनेगा, ये भी, तो यहाँ हमारा क्या बना, लाइन सेगमेंट से बना, और ये क्या बना, रे, क्योंकि आप इनको एक्सटेंड कर पाएंगे, इनको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है, किससे मिलके बना हुआ होता है, लाइन सेगमेंट से, और ये क्या मिल से बना है, रे से, तो आप चाहो तो इनको एक्सटेंड कर सकते हो, जितना करना है बना सकते हो, क्योंकि रे में हमने पढ़ा है, तो ये इनकी क्या है, यू, जैसे अगर आप मान लो आप क्या बनाते हो, रेक्टेंगल बनाते हो, तो देखो ये भी किससे मिला है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ, क्योंकि इसकी एंड पॉइंट होती है ना, एंड पॉइंट होता है तो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है, अगर एंड पॉइंट नहीं होगा तो रेस से मिलके बना हुआ है ना, तो वो आप देखेंगे जब आपको इस तरह से फिगर्स आएंगे तो आप उस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टेक्स बोलते हैं, आपको पता होगा है ना, और ये क्या होता है, इसका आर्म हो जाता है, आप चाहे तो इस एंगल को समझ सकते हैं, एंगल को, इसमें तीन एंगल्स हो गए बच्चों, तीन इनके आर्म्स हो, आर्म मतलब समझ में आता है ना, आर्म्स, है ना बच्चों, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर्म्स हो जाएगा, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। चलिए अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बच्चों, राइट, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो फटाफट इसको नोट कर लो, मैं इनको रफ करता हूँ, कर दो रफ बच्चों, ओके, और समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, फिर हम समझेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, आपके बुक्स में भी है क्वेश्चन, ठीक है, कम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इनको पहले हम थोड़ा सा समझे, तो सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, इस पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, चलो इसको लिख देते हैं, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो हम उनको क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज, अगर आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम क्या हो जाएगा बच्चों,
90 डिग्री, तो हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना, कहेगा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या कहेगा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ फ्लोइंग एंगल्स, ठीक है, ऑफ फ्लोइंग एंगल्स, है ना, कुछ एंगल्स आपको दे दिया जाएगा, मान लो कुछ एंगल ऐसे दे दिया जाएगा, जैसे ए में मान लो आपको 30 डिग्री दे 60 डिग्री दे दिया हुआ है, है ना, दूसरा में आपको 30 डिग्री दे दिया है, तीसरा में आपको 45 डिग्री दे दिया है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है बताओ 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालेंगे ये याद रखना 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, गिवन एंगल, ये फॉर्मूला आप आसानी से याद कर लीजिए, आसानी से निकल के आ जाएगा। CA चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बच्चों, CA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, 90 डिग्री, और GA मतलब ठीक है, GA मतलब गिवन एंगल होगा, है ना, क्या होगा, गिवन एंगल, तो आप इसको बना सकते हैं, देख लो, तो 90 डिग्री गिवन फर्स्ट के लिए क्या होगा 60 डिग्री, तो क्या निकल के आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ये आपका क्या होगा 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री हो गया। अब इसका निकालिए आप क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो क्या होगा 60 डिग्री, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आसानी से आपको देखते ही आप कर सकते हैं सॉल्व, है ना। चलो अब इसका देख लो बच्चों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 45 तो क्या निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप चाहे तो ये ट्रिक्स को लर्न कर लीजिए, है ना। CA मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। गॉट इट या नॉट, आया समझ में, चलो फटाफट इसको नोट कर लो और एक समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बच्चों, कर दो रफ, ओके। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इनको भी हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक से समझेंगे, इसपे भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो समझते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या, यानी इसमें भी आप यही कह सकते हैं कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो दो एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, टू एंगल इज 180 डिग्री, है ना, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, या दैट इज आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं, एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम कितना जाएगा 180 डिग्री, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम अगर क्या आता है 180 डिग्री आता है, तो आप इसे क्या कह देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, यस या नॉट, आ रहा है ना समझ में, ओके। अब चलिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सेम वही क्वेश्चन दे देगा बच्चों, कहेगा चलो बताओ मुझे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, है ना, जैसे मान लो 120 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, है ना, थर्ड अगर मान लो 100 डिग्री दे देता है और हमसे पूछता है बताओ इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा आप यही लेना बच्चों, एस ए, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा गिवन एंगल्स, ये लगा दो ट्रिक्स आसानी से निकल के आ जाएगा, सिंपल सा, एस ए मतलब समझ में आ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस गिवन एंगल, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं बच्चों 180 डिग्री माइनस गिवन कितना है 60, तो क्या निकल के आ जाएगा 120 डिग्री, है ना, क्या हो गया, मतलब 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 120 डिग्री आ जाएगा, गुड। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ क्या करो 120 का 120 लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, और अगर 100 का देख ले तो क्या हो गया 180 डिग्री माइनस क्या कर दो 100 कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा 80 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है।
आई होप ये बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। तो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट करवाया है क्या वो क्लियर हुआ है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको समझ में भी आ रहा है तो बच्चों यस या नो कमेंट कीजिए। जब बोला जाता है कमेंट्स करो तो आप करो, जिससे कि हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो जितने भी कॉन्सेप्ट है इन सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्दी बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।